पुतिन लुहांस्क की किलेबंदी कर रहे हैं। इसके लिए मॉस्को के मेयर को भेजा गया है। यहां टनल बनाए जा रहे हैं जिसके लिए रूस ने इंजीनियर्स की एक टीम भी तैयार कर ली है। लुहांस पर कब्जा करने के बाद उसकी किलेबंदी के पीछे पुतिन की क्या स्ट्रैटेजी है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। रशियन स्टेट टीवी चैनल RURTR ने इस खबर को पूरी दुनिया को दिखाया है, जिसमें मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन लुहांस की किलेबंदी का जायजा ले रहे हैं। लुहांस को दुर्ग में तब्दील किया जा रहा है और उसकी चार दीवारी से घेरा जा रहा है। रूस ने डोनेस्क और लुहांस पर कब्जा करने का दावा किया था और मॉस्को से गवर्नर की तैनाती की गई थी। अब पुतिन लुहांस की घेराबंदी कर इसे अपने हिस्से में लेने की तैयारी कर रहे हैं। निर्माण कार्य का जायजा लेने लुहांस पहुंचे मॉस्को के मेयर ने बताया कि वो पुतिन के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। लुहांस्क में टनल का निर्माण किया जा रहा है। अंडरग्राउंड सुरंग में पक्की दीवारें बनाई जा रही हैं। कुछ रास्तों को लकड़ियों से घेरा जा रहा है, खाइयों को पाटा जा रहा है। इस काम में रूसी सैनिकों को भी लगाया गया है। रूसी इंजीनियर्स को फ्रंटलाइन पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि यहां बन रहे बंकर्स में पुतिन की मोबिलाइज्ड फौज अपना ठिकाना बनाएगी। रूस के अलचाई राज्य में बर्फीली नदी से भीषण तबाही हुई है और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो रूस से सामने आया है, जहां इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कई राज्यों के बीच बर्फबारी के बीच रूस की कई नदियां बर्फबारी में पूरी तरह से जम चुकी हैं। वीडियो रूस के अल्टाई राज्य का है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से अल्टाई राज्य में बर्फीली नदी अपने साथ सब कुछ समेटते हुए आगे बढ़ जाती है। इस बर्फीली नदी ने भारी तबाही मचाई है। दावा किया जा रहा है कि इसकी चपेट में आकर 15 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। घर की बालकनी में खड़े किसी शख्स ने इस तबाही के मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सर्दियों के दिनों में रूस में इस तरह की तबाही के मंजर देखना आम बात है। गनीमत रही कि इस बर्फीली तबाही की चपेट में आकर किसी की जान नहीं गई और कई घंटों की मशक्कत के बाद सड़क पर जमा मलबे को हटा दिया गया। रूस में कड़ाके की ठंड की वजह से परेशानी शुरू हो चुकी है। भारी बर्फबारी के चलते कई इलाकों में पारा -10 डिग्री पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में पारा और गिरने के आसार हैं।